हेलो किसान भाइयों, आप सब लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि धान की एक ऐसी वैरायटी के बारे में बात करने वाले जिसका आप चयन करके अपनी धान की फसल से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आपको धान की ऐसी कौन सी वैरायटी जो कि हमारे किसान में लगा रहे और किसानों की पहली मनपसंद बन चुकी है वैरायटी, और पिछले साल काफ़ी किसानों ने इसका प्रयोग करा था और बहुत ही अच्छा पैदावार निकल कर लिया है। तो आज की इस वीडियो का पूरा अंत तक देखते रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली क्या कौन सी वैरायटी है, जिसका क्या नाम है और कितनी आप क्या इसकी सही मात्रा यानी कि कितना बीज हमें लेना चाहिए धान की रोपाई करने के लिए, क्या इसका सही समय पीरियड है और क्या क्या इसकी खूबी है और क्यों ये इतना उत्पादन निकल कर दे रही है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं किस्म भैया की धान की ऐसी कौन सी वैरायटी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ, ये संकर धान की किस्म है। संकर की धान की किस्म बहुत सारी किस्म मार्केट में अवेलेबल है, आपने देखा होगा, लेकिन जो मैं वैरायटी के बारे में बताने वाला हूँ इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और मैं काफ़ी टाइम से इसका प्रयोग कर रहा हूँ और काफ़ी किसान भी हमारे धान की वैरायटी का प्रयोग करके बहुत ही अच्छा लाभ ले रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि समय इस धान की पकने की जो समय पीरियड है वो करीब 115 से लेकर 120 122 दिन में पक कर के तैयार हो जाता है। और मैं इसके उत्पादन की बात करूँ दोस्तों, तो इसका उत्पादन बहुत ही अच्छे मुकाबले अन्य वैरायटी के मुकाबले बहुत ही अच्छा उत्पादन निकल के दे रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके धान की कितने रुपये के जी मार्केट में अवेलेबल है, तो किसान मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक एकड़ अगर आप रोपाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। 5.5 से लेकर आप 6 किलोग्राम तक का अगर प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और अच्छी पैदावार आपकी निकल के आएगी। अगर मैं बात करूँ इसके क्या इसकी प्राइस है, क्या इसका दाम है मार्केट में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट में चाहते हैं तो मार्केट से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी आप इसको खरीद सकते हैं। अगर मैं मार्केट की बात करूँ किसान में, तो करीब 280 रुपये से लेकर करीब 300 रुपये के आसपास इसका 1 किलो का बीज आता है। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार इसका खरीद कर आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। तो 1 किलो का जो कीमत है वो करीब 300 रुपये के आसपास है। भैया, मैं अगर बात करूँ तो इसकी उत्पादन की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो बाली होती है, इसकी बाली में करीब 500 से लेकर 550 दाने आते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो उत्पादन ओवरऑल निकल करके आता है अन्य वैरायटी के मुकाबले बहुत ही अच्छा निकल करके आता है। और मैं बात करूँ इसके एक एकड़ में कितनी पैदावार निकल करके आती है, तो दोस्तों अगर आप सही समय पीरियड पे जो खाद शेड्यूल का स्प्रे और स्प्रे शेड्यूल का और पानी शेड्यूल का सही तरीके से प्रयोग करते हो तो आपने एक एकड़ में करीब 35 से लेकर 38-40 क्विंटल एकड़ निकाल के ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी ये आपको उत्पादन निकाल करके देगी ये वैरायटी, क्योंकि किसान भी ये वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा हमारे किसान भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो वैरायटी है इसका क्या नाम है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस वैरायटी जेके सीड्स की वैरायटी है। जेके सीड्स की बात करूँ किसान भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है और काफ़ी हमारे किसान भी इसका प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो जेके वैरायटी है जेके सीड्स का 2082 संकर धान जो कि आता है किसान भी संकर धान, तो आपको पता है, तो ये संकर धान जेके सीड्स 2082 संकर धान की वैरायटी है। आप इसका चयन करेंगे, इसका चयन करने के बाद किसान भी आपको बहुत ही अच्छा पैदावार निकल करेगा। अगर मैं बात करूँ इसके चावल की, तो इसका चावल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और मार्केट में इसकी वैल्यू भी काफ़ी अच्छी होती है, मार्केट प्राइस से भी आप अच्छा पैसे ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ किसान भी कि इसकी क्या सही समय है रुपाई करने के लिए, अगर आप रुपाई करने जा रहे हैं तो आपको किस समय पर इसकी रुपाई करना चाहिए जिससे अच्छी तरीके से पैदावार हम ले सकें, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा करीब 15 जून से लेकर आप 15 जुलाई तक इसका रोपाई करेंगे, ये एक सही समय पीरियड है और बहुत ही अच्छा पीरियड है। अगर इस समय पर आप रोपाई करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो मैंने आपको वैरायटी बताई जेके सीड्स की 2082 संकर धान की वैरायटी, अगर आप इसका चयन करते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस खास शेड्यूल का आप प्रयोग कर रहे हैं उस तरीके से करेंगे तो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छी पैदावार ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाएगा। हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी बातें सभी हमारे युवा किसान भाई तक पहुँच सके और वो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकें। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।